जब भी कोई सेंटेंस इधर आर नीदर नार नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जुड़ता है तो वर्ब हमेशा सेकंड नाउन के अनुसार ही सेट होता है। कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स दैट इज द कंजक्शन व्हिच जॉइन टू सेंटेंस टू क्लॉज आर टू प्लेस दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि जहाँ पर दो लोगों का, दो वस्तुओं का, दो चीज़ों का मेल होता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। या किस सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि किसी को किसी के साथ भी जोड़ देता है, मेल को मेल के साथ जोड़ देगा, फीमेल को फीमेल के साथ जोड़ देगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मेल को किसी फीमेल के साथ भी जोड़ देगा। तो कंजक्शन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी किसी को भी जोड़ सकता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? I am Dilip Chaudhary and welcome back to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic, that is not most important but it is very interesting topic that I am going to deliver, that is conjunction, and it will help you to increase your number in your upcoming exam SST MTS English, and I will discuss all the things we have to discuss, but if you are new here please share and subscribe my channel. Okay, तो सर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलने की कोशिश करते हैं और आज तक जो आपका डाउट रहा है कंजक्शन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से डाउट एकदम खत्म होने वाला है। ओके, तो वी विल डिस्कस व्हाट इज द कंजक्शन। कंजक्शन दैट इज कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स दैट जॉइन टू वर्ड टू फ्रेज आर टू सेंटेंस दैट इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी कि ऐसे ऐसे वर्ड ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस को, दो वाक्य को, दो फ्रेज को जोड़ने की कोशिश करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन जैसा कि हमने बहुत बार पढ़ा है लेकिन समझ में बराबर नहीं आ रहा था उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन कंजक्शन ओके, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे दो भागों में बांट कर समझते हैं। ओके, कंजक्शन एक मतलब इसका होता है कंजक्शन सी ओ जन एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हमारे पास जो निकलता है वो क्या हो गया हमारे जंक्शन कंजक्शन। ओके, दो वर्ड हमारे पास यहां पर निकल के आता है। कन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। क्या होता है? कनेक्शन, कनेक्शन। और जंक्शन मीन्स क्या होता है? मोर देन वन, मोर देन वन। ओके, आई होप अगर इस सब दिख रहा है फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज फाइन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कंजक्शन क्या होता है? कनेक्शन दैट मीन्स दो वर्डों से मिलकर बना है, अगर इसे हम तोड़ने की कोशिश करें तो। कन मीन्स क्या होता है? कनेक्शन। जंक्शन मीन्स क्या होता है? मोर देन वन। यानी कि कनेक्शन मीन्स क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना। और मोर देन वन एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों किसी को जोड़ने को जो क्या होता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। समझते कोशिश करते कहते हैं जंक्शन क्या होता है, यानी कि हम तीन चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, एक हॉल्ट, दूसरा स्टेशन, तीसरा जंक्शन। हॉल्ट क्या होता है? हॉल्ट जस्ट ए लिटिल रेस्ट, जस्ट ए लिटिल ब्रेक रेस्ट। ओके, जहाँ थोड़े समय के लिए आराम किया जाए ओके उसे हम क्या कहते हैं? हॉल्ट कहते हैं। जैसे कोई ट्रेन आ रही है, जैसे मुंबई में आप देखते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन होती है वो हॉल्ट होता है। हॉल्ट यानी कि एक मिनट के लिए विराम को, जस्ट एक मिनट के लिए विराम को क्या कहते हैं? हम हॉल्ट कहते हैं। और स्टेशन वो चीज़ होती है जहाँ पर गाड़ी दो पाँच मिनट तक रुकती हो, जहाँ पर ट्रेन क्या होती है पाँच से दस मिनट का ब्रेक लेती हो, पाँच से दस मिनट का रेस्ट लेती हो, उसे हम स्टेशन कहते हैं। और जंक्शन हम उसे कहते हैं जहाँ पर ट्रेन कम से कम आधा एक घंटा रुकती हो, या जहाँ से ट्रेन हर दिशा में चलने के लिए योग्य होती है उसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। बहुत आसानी से समझ में आएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर एक क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एक जंक्शन हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी इधर भी जाने को रास्ता है, यहाँ भी जाने का रास्ता है, इस जंक्शन से यहाँ भी इधर को जाने का रास्ता है, इन जंक्शन से इधर को भी जाने को रास्ता है, इन जंक्शन से इधर को भी जाने को रास्ता है। यानी कि ट्रेन यहाँ से आई मुड़ के इधर चली गई, ट्रेन यहाँ से आई मुड़ के इधर चली गई, ट्रेन यहाँ से आई सीधा चली गई, ट्रेन यहाँ से आई यहीं से मुड़ के चली गई, यानी ट्रेन से यहाँ से आई यहाँ को चली गई, ट्रेन यहाँ से आई यहाँ को चली गई, ट्रेन यहाँ से आई ऊपर चली गई, ट्रेन यहाँ से आई यहाँ चली गई। यानी कि चारों दिशाओं में उसको जाने के लिए जहाँ पर रास्ता होता है, चारों दिशाओं में जाने के लिए जो रास्ता होता है वही हम कंजक्शन कहते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं। इसी तरह हमारा कुछ कंजक्शन होता है जहाँ पे क्या होता है, इसको किसी भी सेंटेंस के साथ चिपका दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी के साथ भी चिपका दो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके साथ चिपक जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कंजक्शन क्या होता है? किसी के साथ चिपका दो इससे कोई दिक्कत नहीं, सबसे चिपक जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट। तो कंजक्शन हमने समझने की कोशिश की,
कि क्या होता है, यानी कि दो वर्ड को जोड़ने की कोशिश करता है, दो फ्रेज को जोड़ने की कोशिश करता है, और सबसे इंटरेस्ट क्या करता है, किसी भी वर्ड को किसी के साथ भी जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसको। तो आपको आई होप समझ में आता है कंजक्शन क्या होता है। ये कुल मिलाकर तीन प्रकार के कंजक्शन होते हैं। पहला जो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, दूसरी बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, तीसरी बात करते हैं को रिलेटिव कंजक्शन होता है। ये सिर्फ तीन ही प्रकार के कंजक्शन है और जिसे ही हम समझना है बहुत अच्छी तरह से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, मूव करते हैं आगे की तरफ। पहला हमने कहा कौन सा कंजक्शन होता है, कुल मिलाकर तीन प्रकार का हो, कितने प्रकार का होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार से होता है। इज दैट क्लियर, कितने प्रकार का, तीन का प्रकार का होता है। पहला हमने क्या कहा, पहला जो कंजक्शन होता है कौन सा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें जो वर्ड होते हैं एंड आर बट आल्स बट सो नॉर फॉर एट, इनसे जुड़े होते हैं। ये जो वर्ड होते हैं किनसे जुड़े होते हैं, एंड आर बट सो, एंड आर बट सो, ओके, बट सो फॉर येट नॉर से जुड़े होते हैं, फॉर येट आद वर्ड होते हैं। ओके, इनसे जुड़े होते हैं, इनसे जुड़ने वाले जो क्लाज होते हैं, ओके, आद जो वर्ड होते हैं इनसे जुड़े होते हैं, और इनसे जुड़ने वाले क्लाज कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, क्लाज कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके, हमने कहा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है, एंड आर बट सो फॉर एट, ये सारे कंजक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, और इनसे जुड़ने वाले जो क्लाज होते हैं कौन से सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, ओके, यानी कि वो इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि आप हो। तो ये हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये तो एक डेमो है, आगे बताएंगे किस तरह से पढ़ा जाता है। ओके, आगे समझने की कोशिश करते हैं, अगला जो कंजक्शन होता है वो कौन सा कंजक्शन है, हम बात करते हैं जो दूसरे कंजक्शन की, और दूसरा प्रकार का कंजक्शन कौन सा है, जिसे कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा, सब ऑर्डिनेटिंग ओके हम देखते हैं क्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, आफ्टर, ओके, इवन, दो, ओके, अनलेस, ये सारे वर्ड इसमें आते हैं, आफ्टर, इवन, दो, ओके, अनलेस, अनटिल, टिल, ओके, या किसी को किसी से जोड़ देते हैं, जैसे आफ्टर, इवन, दो, अनलेस, अनटिल, टिल, ओके। जैसे हमने एग्जांपल दिया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। या किसी को किसी से भी जोड़ दें, इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरिलेटिंग कंजक्शन के ऊपर, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। कोरिलेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिंग कंजक्शन, ओके, इनके साथ जो जुड़े जाते हैं वर्ड क्या होते हैं, इधर आर, नीदर आर, ओके, इधर आर,
नीदर नार, नीदर नार नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, ये सारे वर्ड इनके साथ जुड़े रहते हैं, इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ या एंड, ये सारे वर्ड होते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, ही स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश, ही स्पीक्स नॉट ओनली ओनली इंग्लिश। ओके, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश, ओके, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच, बट आल्सो फ्रेंच। ओके, वह ना कि वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि क्या बोलता है, फ्रेंच भी बोलना उसे आता है, वो सिर्फ इंग्लिश बोलने का नहीं जानता, उसे इंग्लिश फ्रेंच भी बोलना आता है। तो इस प्रकार के वर्ड यहाँ पे दिए रहते हैं, सिर्फ यहाँ से किसी को हटा के उधर कर दिया जाएगा और किसी को इधर कर दिया जाएगा। हमने जैसे पहले कहा कि नॉट ओनली बट आल्सो के साथ, यानी कि जब भी कोई सेंटेंस इधर आर, निधर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ जुड़ता है तो जो वर्ब होता है वो वर्ब हमेशा सेकंड नाउन के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, सेकंड नाउन के अनुसार आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज़।